पहले कई टॉपिक पढ़े थे, आज हम फिर से लेके आए हैं मैथमेटिक्स का नया टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के बारे में, इसके जो संकेत वगैरह हैं उनके बारे में हम आपको पहले बताते। जैसे आप कोई भी चीज मार्केट में खरीदने जाते हो और आप उसे कितने रुपए में खरीदते हो, उसकी खरीद रेट कितनी है, वो होती है आपका क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जिसे शॉर्ट में कहते हैं सी। अब आपने उसे कितने में बेचा, ये होगी आपकी सेलिंग प्राइस, आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोल शॉर्ट में लिखेंगे एस पी। अब आपने उसे कितने में खरीदा और कितने में बेचा, इस आधार पर आपको लाभ और हानि होगा। यदि आपको लाभ हुआ, मान लो आपको लाभ हुआ, लाभ बोले प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम पी से दर्शाएं। यदि आपको हानि हुआ तो इसे लॉस एल से दर्शाएं। ये थे इनके मेन मेन संकेत। और जैसे यदि आपने कोई चीज खरीदने जाते हो और उस पर कितनी रेट प्रिंट की हुई है, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जिसे हम एम पी से दर्शाएं। ये थी चीज। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की टाइप नंबर वन देखें। एक दुकानदार एक आर्टिकल को 1330 रुपए में बेचता है, कितने में बेचता है, 1330 रुपए। आप कोई भी चीज हो, आप उसका क्रय मूल्य हमेशा 100 मान लिए। अब प्रश्न पढ़ो, एक दुकानदार एक आर्टिकल को 1330 रुपए में बेचता है, ठीक है, तो उसे 30% की हानि होती है, मतलब उसने 100 में खरीदा और बेचा कितने में, 70। दुकानदार ने बेचा 1330, अपने कितना आया 70, यहां पर लिख दो 70। आगे पूछा गया है तो उसे कितने में सेल करें कि 20% प्रॉफिट हो जाए, मतलब यदि 100 में खरीदा है और कितने में बेचेंगे 20% प्रॉफिट हो जाए, 120। और हमें ये पूछ रहा है कि 1330 में बेचने पर उसे 30% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचें कि उसे 30% का प्रॉफिट हो जाए, तो 20% का प्रॉफिट हो जाए तो कितने में बेचेंगे, 120। इसको लिख दो, जो ज्ञात करना है वो लिख दिया, गुणा कट किया, ये पूरा 19 बार और कैलकुलेशन आई 2280। तो उसे जो वस्तु 1330 में खरीदी थी और उसको खरीदने वापस बेची थी और बेचने पर उसे 30% की हानि हुई, उसे 20% के प्रॉफिट पर बेचना हो तो उसे 2280 रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए अब ये टाइप नंबर वन देखिए, अब देखिए टाइप नंबर टू। टाइप नंबर टू में क्या है, जैसे हमने आपको बोला कोई भी वस्तु खरीदते हो सीपी हमेशा क्या मानना है, 100। अब क्वेश्चन है, एक दुकानदार आर्टिकल को खरीदते समय 30% लाभ कमाता है और बेचते समय 20% लॉस हो जाता है, और बेचते वक्त उसे 20% की हानि हो जाती है। देन फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट लॉस, मतलब उसका वास्तविक लाभ और हानि प्रतिशत हमको ज्ञात है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप देखो पहले ये देखना कि उसको खरीदते समय कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 30% का, मतलब उसने 100 की वस्तु को कितने में बेचा, 130। खरीदते समय 100 की वस्तु को इसने खरीदा, ठीक है। अब आगे देखो, और बेचते समय 20% का लॉस होता है, मतलब 80। और बट्टे में संख्याएं ऊपर दो बार आई है तो नीचे 100 एक बार, 10 से 10, 10 से 1। तो देखो 13 टे 104, ये 100 से कितना ज्यादा है, 4% ज्यादा है, मतलब उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 4%। देखिए हमने दो टाइप देख लिया, अब ये है तीसरी टाइप। तीसरी टाइप में क्या है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। लिखो इसको सीपी बटे एसपी बराबर 10/12। आपका सीपी कितना है, 10, एसपी कितना है, 12, मतलब आप कोई चीज 10 में खरीद रहे हो और 12 में बेच रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है आपका, 2। आपको निकालना है फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 2, सीपी कितना है, 10 इंटू 100, 10 से 10, 20%। आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 20%। देखिए हमने टाइप नंबर 3 तक कर लिया, ये है टाइप नंबर 4। जब ऐसे क्वेश्चन आए तब आपको क्या करना, देखो एक दुकानदार 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है और 6 रुपए में 6 नींबू बेचता है, then find actual percentage profit and loss, मतलब यदि लाभ होता है तो कितने प्रतिशत होता है और हानि होती है तो कितने प्रतिशत होती है। इसके लिए काम करना, इस तरफ लिखो रुपए और इस तरफ लिखो आर्टिकल, मतलब जो भी वस्तु आप खरीद रहे हो। मानो आपने 4 रुपए में कितने नींबू खरीदे, 5 रुपए, कितने लगे, 4,
नींबू कितना है, आर्टिकल कितना है 5। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है 6 रुपए में 6 नींबू बेचता है, मतलब 6 रुपए में 6 यहाँ पर कितने नींबू बेचता है, 6 बेचता है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट एलिमेंट उठाना और उसको तिरछा गुणा किया, 6 × 4 = 24। ये जो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट एलिमेंट वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर आपको देगा सीपी, तो आपका सीपी कितना आया 24। अब बचे क्या शेष, इनको गुणा कर दो, 6 × 5 = 30, ये आपको देंगे एस, एस पी कितना आया 30। आप कोई चीज 24 में खरीदते हो और 30 में बेचते हो तो आपको क्या होता है, 6 का लाभ, लाभ कितना होता है 6 का, प्रॉफिट होता है 6। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, प्रॉफिट कितना हुआ 6, सीपी कितना है 24 इंटू 100, 6 × 24 = 25, 25% आपको लाभ। देखिए आपने चार टाइप देख ली, ये है पांचवी टाइप, पांचवी टाइप क्या है, देखो एक दुकानदार 5 रुपए में 7 नींबू बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है, उसे किस हिसाब से बेचे कि उसे 5% लाभ। तो आपको करना क्या है, आपको देखो एक बटे का चिन्ह रुपए लिखने ऊपर, 5 रुपए में 7 नींबू बेचता है, कितने बेचता है 5 रुपए में 7 नींबू बेचता है, तो रुपए लिखने ऊपर 5 रुपए और 7 नींबू बेचता है, आर्टिकल वस्तु है जो भी है, मान लो नींबू है तो नींबू वो लिखना है नीचे, लिख लिए। अब आगे गुणा, अब उसे होता क्या है 5 रुपए में 7 नींबू बेचने पर 20% का लॉस, 20% का लॉस मतलब अपन हर चीज सीपी 100 मानते, 20% का लॉस मतलब 80, ये लिखना है नीचे, जो हुआ 5 रुपए में 7 नींबू बेचने पर जो हुआ वो लिखेंगे नीचे 20% का लॉस। तो उसे किस हिसाब से बेचे कि हमें 5% का लाभ हो जाए, और जो चाहिए वो ऊपर लिखेंगे 5% का लाभ, हम सीपी हमेशा 100 मानते हैं, 5% लाभ मतलब 105। तो देखो 7 से कितनी बार 15 बार और 5 से ही 16 आया, क्या 15/100, हमने पहले ऊपर क्या लिखे थे रुपए, अब भी ऊपर रुपए हैं, नीचे क्या लिखे थे नींबू लिखे थे, जो भी आर्टिकल था वो लिखा था, तो नीचे क्या रहेगा नींबू का नींबू ही रहेगा। अब देखो हमने क्या 5 रुपए में 7 बेच रहा था, तब कैसे लिखा 5/7, तो अब कैसे लिखेंगे 15/16, मतलब 15 रुपए में उसे कितने नींबू बेचने होंगे 16 नींबू। यही तो पूछा था कि उसे किस हिसाब से बेचे, इस हिसाब से बेचो, 15 रुपए में 16 नींबू बेचो तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपको 5% लाभ। देखिए हमने वीडियो बना रहे थे, इतने वीडियो सीरीज चल रही थी, अब देखो प्रॉफिट लॉस के जैसे हमने 5 टाइप आपको कवर, 5 टाइप हो गए, अब एक वीडियो में इतना ही होगा, बाकी के 5-5 टाइप के हम 4 वीडियो बनाएंगे और टोटल आपको 20 टाइप करवाई होगी, 20 टाइप में आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, सब शॉर्ट से शॉर्ट है, बिल्कुल छोटी छोटी टाइप है, बिल्कुल छोटे तरीके हैं, शॉर्ट तरीके से किया हुआ है सब कुछ आपको, और आपके जो नेक्स्ट 500 की ये टॉपिक होना चाहिए उसके बारे में आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, वरना कमेंट कर देना, ठीक है।